जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया 6 राशियों के बारे में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे अगली राशियों के बारे में, जिसमें जानेंगे कि किस तरीके से जो शनि का पारगमन हो रहा है उसका प्रभाव इन 6 राशियों पर क्या पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि शनि के इस राशि परिवर्तन के अवसर पर हर किसी को ये उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो शनि ग्रह की शांति के लिए, शनि के दोषों की शांति के लिए ये उपाय बहुत आवश्यक हैं। इनको हर व्यक्ति को करना है क्योंकि शनिदेव के इस गोचर का, इस संचरण का दुष्प्रभाव हर राशि के जातकों पर समान रूप से पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कुछ विशेष और अचूक उपाय। आपको करना ये चाहिए कि कम से कम 9 शनिवार गरीबों को आप भोजन कराएं। भोजन में शनिदेव के भोज्य सामग्री जो उनको प्रिय हैं वो आपको देनी चाहिए। शनिदेव को मीठा और नमकीन भोजन, सरसों के तेल में, तिल के तेल में बना हुआ भोजन, चावल और उड़द की दाल का प्रयोग करके बनाया गया भोजन बहुत प्रिय है। ऐसी चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। घर में जो भी कर्मचारी होते हैं, नौकर इत्यादि होते हैं, जैसे ड्राइवर, नौकर, धोबी, इन कर्मचारियों से आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होता है क्योंकि शनिदेव जो हैं ये गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गरीबों को प्रसन्न रखने से शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। प्रति शनिवार को नियमित रूप से अगर आप व्रत करते हैं और ऐसा अगर आप 8 शनिवार करते हैं तो अशुभ शनि की स्थिति में आपको लाभ मिलता है। जिनकी ढैया और 7.5 है उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रति शनिवार शनिदेव के लिए विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त देख करके शनि कवच आप धारण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी आती है, शांति मिलती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। प्रति शनिवार को तिल का प्रयोग करके या तिल के तेल से बनी हुई सामग्री जो है वो आपको स्वयं खानी भी चाहिए और ये भोज्य सामग्री का दान भी करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम धारण करने से भी शनि दोषों में शांति मिलती है, लेकिन नीलम धारण करने से पूर्व आपको अपने ज्योतिष आचार्य से परामर्श ले लेना चाहिए कि नीलम आपके लिए अनुकूल है कि नहीं, आपको सूट करता है कि नहीं, कुंडली के अनुसार ही आपको धारण करना चाहिए। शनि संबंधी दान या उपहार आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना दोष काटने के लिए, अपने ग्रह का उपाय करने के लिए लोगों को उपहार बांटते हैं। तो अगर आपको जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने इस सोच से, इस विचार से आपको दान दिया है कि शनि के दोष के, उनके जो दोष हैं वो दूर हो जाएं, तो ऐसे उपहार, ऐसे गिफ्ट लेने से आपको बचना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव बुरा प्रभाव नहीं डालते। प्रतिदिन या हर शनिवार इष्ट देवता को काले या नीले रंग के पुष्प आप अवश्य चढ़ाएं। शनैश्चरी अमावस्या या सोमवती अमावस्या में नदी में स्नान करके शनिदेव के निमित्त आप दान करें तो आपको फायदा मिलेगा।
पुरुषों के लिए आवश्यकता है कि पर स्त्री और स्त्रियों के लिए आवश्यकता है कि पर पुरुष का साथ आप तत्काल छोड़ दें, अन्यथा शनि और ज्यादा क्रूर हो सकते हैं आपके लिए और उसके बहुत बुरे परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। सारे किसी भी प्रकार के अधार्मिक कार्य तत्काल ही त्याग देने चाहिए। शनिवार के दिन सुबह और शाम के समय में स्नान करके यथा सामर्थ्य काले वस्त्र धारण करके शनिदेव की प्रतिमा पर मेरे द्वारा बताई जा रही विधि और सामग्री के साथ आप पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। शनिदेव पर काले तिल या फिर सरसों का तेल चढ़ा करके कुमकुम अक्षत काले तिल के अलावा विशेष रूप से काली तुलसी चढ़ाने से शनि की दशा को अनुकूल बनाने में बहुत लाभ मिलता है, बहुत असरदार उपाय माना गया है। शनि की पूजा में काली तुलसी को चढ़ाते समय जो वेदोक्त मंत्र मैं आपको बताता हूं उससे बोलें। अगर आपको इस मंत्र के उच्चारण में कोई कठिनाई आती है तो शनि के जो साधारण मंत्र हैं, सामान्य मंत्र हैं, उन्हें भी उच्चारित किया जा सकता है। तुलसी चढ़ाते समय, काली तुलसी अर्पित करते समय आपको यह मंत्र उच्चारित करना है। ओम शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, ओम शनो ऋभवस्तु न, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण करके आप शनिदेव को काली तुलसी अर्पित करें तो आपको फायदा मिलेगा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम शनो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, ओम शयो ऋभिवस्त्रंतु नः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। दूसरा सामान्य मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः है। शनि की पूजा के बाद इस मंत्र के जाप से भी शनि की दशा में शनिदेव जो हैं वह शुभ फल देते हैं। पूजा और मंत्र जाप के बाद शनि को तेल से बने हुए पकवानों का भोग लगा करके शनिदेव की आरती करनी चाहिए। अंत में कष्टों से रक्षा और सौभाग्य व सुख प्राप्ति की आप कामना और प्रार्थना करें। इन सभी प्रयोगों से को शनिदेव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत आसानी से इन उपायों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जो भी अशुभ प्रभाव होता है आपकी कुंडली में शनिदेव का उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। शनिदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियां भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई हैं, जिसमें प्रमुख है बिच्छू बूटी की जड़ या फिर शमी जिसे छोकरा की जड़ भी कहते हैं। तो इनकी जड़ों को पुष्य नक्षत्र में आप ले आइए, काले धागे में, काले कपड़े में लपेट करके काले धागे के सहायता से पुरुष और स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ की भुजा में बांधें तो शनि के कुप्रभावों से आप बच सकते हैं, उनके शुभत्व आपको प्राप्त होने लगेंगे, दुष्प्रभावों में कमी आने लगती है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय जिसमें आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से शनि के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है और जो यकीनन जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं अगर आप इनको अमल में लाते हैं तो शनिदेव आप पर निश्चित तौर पर ही प्रसन्न होंगे। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।